क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. 3.02 इंटू 10 to the power -6. इसको हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 100 आ जाएगा. अब 10 to the power -6 है तो वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. सो व्हाट डू वी गेट इज 302 अपॉन 10 to the power 8, दैट इज 8 zeros. अब इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पीछे से 8 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा. सो दैट इज 3 डिजिट ऑलरेडी हैं हमारे पास, हमें 5 जीरोज और लगाने हैं. ओके, 302. सो 8 डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट हो गया एंड दिस इज द आंसर इन यूजुअल फॉर्म. नेक्स्ट, 4.5 इंटू 10 to the power 4. हम 4.5 का पॉइंट रिमूव करेंगे और उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इंटू 10 to the power 4. उसको एक्सपांड करके लिख लेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट डू वी हैव इज 45 इंटू 1000, दैट इज 45,000. सो दिस इज द आंसर इन यूजुअल फॉर्म. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -8. अब इसे यूजुअल फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर -8 है तो उसे डिनोमिनेटर में कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. 10 टू द पावर 8 यानी कि 8 जीरोज. अब मुझे 8 डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगाना है, 1 डिजिट ऑलरेडी है तो मुझे 7 जीरोज और चाहिए, 2, 2, 4, 2, 6, 7 एंड 8. सो ये हो गया स्टैंड यूजुअल फॉर्म. ओके, नाउ 1.0001 इंटू 10 टू द पावर 9. इसको भी हम पहले डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे. ओके, डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ से रिमूव किया सो ये 4 डिजिट्स के बाद, दैट इज नीचे 4 जीरो आ जाएंगे. इंटू 10 टू द पावर 9 को एक्सपांड कर लेते हैं, 4, 6, 8 एंड 9. तो यहाँ पे 4 जीरोज हम कैंसिल कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4. सो हमारे पास जो बच गया वो हमारा आंसर है 2, 2, 4 एंड 5 जीरोज, 2, 2, 4 एंड 5 जीरोज. सो दिस इज द आंसर इन यूजुअल फॉर्म